अच्छा, इन क्वेश्चन के पेंडिंग कुछ जो पेंडिंग इनके आंसर्स कर लें। क्या ये एथिकल है कि हम एक कंपनी में थोड़ा टाइम गुजारें, 3 4 महीने गुजारें और उस कंपनी को छोड़ दें? एथिकली इट्स नॉट गुड। अगर आप कंपनी में जाते हैं और 3 4 महीने गुजारते हैं और वो कंपनी आपके ऊपर डोमेन ट्रांसफरिंग या ट्रेनिंग कुछ आप वो करवा रही हो, टाइम इन्वेस्ट कर रही हो और आप उसको 2 3 महीने बाद छोड़ दें, लेकिन अगेन अगर आपको लग रहा है कि आप एक गलत जगह पर आ गए हैं और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और वो इससे लर्निंग वाइज बेटर है, सैलरी वाइज बेटर है, तो अगेन आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा वहाँ पे। और आप अगेन इट्स बेटर कि आप 6 महीने बाद छोड़ें इस कंपनी को, बेहतर है कि अभी छोड़ के उधर चले जाएँ। कौन सी कंपनी बेहतर होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड? नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर होगी, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में बेटर होती हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी जो कि प्रोजेक्ट एक आता है और उस पर काम करती हैं और नया प्रोजेक्ट आता है फिर उस पर काम करती हैं, उनमें अगर तो उनके पास कोई स्टेबल क्लाइंट्स हों फिर तो ठीक है, वरना अदरवाइज उनमें इशूज़ आते रहेंगे कि प्रोजेक्ट आएगा, लोग हायर करेंगे, काम ख़त्म होगा, लोगों को फायर कर देंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में ज़्यादा बेहतर होती हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ अगर सीवी में हो तो उसका क्या फ़ायदा है? शुरू में ठीक है, अगर आपके दो एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आपने 6 महीने डॉटनेट में किया और फिर आप स्विच कर गया जावा में, लेकिन अगर आप ये इस तरह मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम करते रहेंगे तो फिर आपके लिए थोड़े अरसे बाद 2 3 साल बाद मुश्किल पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दो टेक्नोलॉजीज़ में काम किया हुआ है, जावा में भी और डॉटनेट में भी, और आप दोनों में गुड हैं, तो फिर ये अपने प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि सम टाइम अगर किसी कंपनी को दोनों रिसोर्सेज चाहिए हो तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। वैसे बेहतर ही होना चाहिए कि आपके पास किसी एक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए और वही मेन आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। शुड आई शेयर माई ऑफर लेटर और कॉन्टैक्ट लेटर विद अदर्स? बिल्कुल नहीं, आपको अपने ऑफर लेटर और जो कॉन्टैक्ट लेटर की डिटेल है वो अपने पास रखें, किसी से कंसल्टेशन करनी है तो जिस बेसिक चीज़ें जो पूछी जाएँ वही बताई जाएँ, ना कि आप उस लेटर की तमाम चीज़ें शेयर करना शुरू कर दें। क्या हमें 6 सेमेस्टर में, अभी जो हम अभी 2 सेमेस्टर पढ़े हैं, जॉब स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आपकी पढ़ाई पे हर्ज नहीं हो रहा और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे पार्ट टाइम 4 5 6 घंटे की और आप मैनेज कर सकते हैं, तो यू शुड स्टार्ट नाउ, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर कैरियर लेटर। के आपको आइडिया होगा कि आपका ये जो अपने टाइम गुजारा है ये एक्सपीरियंस काउंट होगा, इसको आप 6 घंटे का एक्सपीरियंस कहें लेकिन एक्सपीरियंस सीवी में काउंट होगा और आप ज़रूर लर्न करेंगे। 1.5 साल पहले आप मार्केट में एंटर हो जाएंगे 1.25 साल पहले ही दूसरों की निस्बत, तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन अगेन आपकी स्टडी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बाहर पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए, उसके लिए गेन अगर आप लुमनाई या सीनियर से कॉन्टैक्ट करें जो पहले जॉब वहाँ कर रहे हैं और उनके थ्रू सर्च करें कि मैकेनिज्म क्या है, साइट्स अवेलेबल है वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं कि अप्लाई करें। और उस तरह इसमें काफ़ी रेफरल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम काम करता है कि वहाँ जो लोग पहले काम कर रहे हो वो आपको रेफर करें और अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर अवेलेबल हो, तो उस केस में ये ज़्यादा बेहतर काम करता है। अदरवाइज़ आप खाली साइट पर अप्लाई करते रहें तो काफ़ी कम चांसेज हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा जो एक हम डिस्कशन कर रहे थे फीमेल परस्पेक्टिव में, तो फीमेल के लिए जो इन्वायरमेंट है वो एक तो अच्छा ऑफिस होना चाहिए और लोकेशन का जो अपना वो देख लें कि उन्हें जहाँ जाना है उनके लिए ट्रैवलिंग का मसला ना हो। बहुत सारी कंपनीज़ आपको जो है वो ट्रैवलिंग या गाड़ी की सर्विसेज देती हैं, पिक एंड ड्रॉप की, पैसे लेते हैं लेकिन पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देती हैं, घर से पिक करके ड्रॉप कर देती हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप सैलरी और दूसरे परस्पेक्टिव की बजाय ये वाला एक परस्पेक्टिव ज़हन में रखें जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।